पक्का लेसन। सो आज के लेसन में हम इक्फा की प्रैक्टिस करेंगे। तो इक्फा के वर्ड हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हुरूफे इक्फा 15 है। ता फा जी दा दाल सा सीन शीन सौ जो तो वो फा को का। जब तक ये 15 लेटर हम अच्छे से याद नहीं रखेंगे तब तक पढ़ना हमारे लिए इक्फा करना इजी नहीं होगा, इक्फा को समझना भी आसान नहीं होगा। तो इन 15 लेटर को आप अच्छे से जो है याद कीजिए। फिर उसके बाद आपने देखना है कि तन्वीन और नून साकिन के बाद अगर इक्फा लेटर में से इक्फा हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो तन्वीन और नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, जैसे पंखा के नून को पढ़ते हैं या मंगल या जंगल के नून को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए इक्फा लेटर्स कल हमने लिखाए थे, आज हम इक्फा की प्रैक्टिस के वर्ड लिखाएंगे। जैसे या वाव जबर यो मीम जबर म यो म या नून पेश युन पा जबर फ युम फ या नून पेश युन फा जबर फ युम फ। नून साकिन के बाद रूफे इक्फा में से फा आया है इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, इसको इक्फा कहते हैं। खा पेश खो यौ मयुम फखु। चलिए दूसरा लेटर मीम नून जबर मन तो गैन जबर सॉरी तो जबर तो मन तो। नून साकिन के बाद ग्रुप इक्फा में से तो आया है इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपाकर पड़ेगी, इसको इक्फा कहते हैं। मन तो गैन खड़ा जबर गो मन तो गो। ये दो लफ्ज पा जबर पा ता जबर फत हा दो पेश हुन फत हुन फत हुन का। दो पेश की तर्मीन के बाद हुरूफ इक्फा में से कॉफ आया है इसलिए तर्मीन की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, इसको इक्फा कहते हैं। फत हुन का रा या जे री फत हुन करी बा दो पेश बुन मीन नून जबर मन सा जबर स मन नून साकिन के बाद रूफे इक्फा में से सा आया है इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपा कर पड़ेगी, इसको इक्फा कहते हैं। मन स कॉफ पेश को मन सकु लाम था जबर लत मन सकु लत हमजा नून जबर अन जा जबर जा लाम जबर जल अंजल। नून साकिन के बाद रूफे इक्फा में से जा आया है इसलिए नून की आवाज को नाक में छुपा कर पड़ेगी, इसको इक्फा कहते हैं। अंजल नून अलिफ जबर ना अंजल ना शीन या जबर शै हमजा दोजे इन शै इन कॉफ जबर क शै इन क। दोजे की तर्मीन के बाद हुरूफ इक्फा में से कॉफ आया है इसलिए तर्मीन की आवाज को नाक में छुपा कर पड़ेगी, शै इन क। दाल या जेर दी रादो पेश उन शैइन कदीरुन शैइन कदीरुन। तो आप देख रहे हैं कि नून साकिन के बाद अगर रूफे इक्फा आ जाए या तन्वीन के बाद रूफे इक्फा आ जाए तो तन्वीन और नून को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, उसको इक्फा कहते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका यह है यौ मयू पहु तो यहाँ नून की वजह से इक्फा होगा। मन तवा फतहुन करीबुन
ثقلت أنزلنا شيء قدير. तो बहरहाल इसको इक्फा कहते हैं. सो आप इक्फा की प्रैक्टिस कीजिएगा.